तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए फिनोमिनल गुरुजी को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, यू वाचिंग फिनोमिनल गुरुजी चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप मी टीवी में गेम खेलना चाहते हैं, वो भी काफ़ी बड़े गेम, और वो जो गेम है आप डायरेक्टली नहीं चला सकते हैं अपने मी टीवी पर, उसके लिए यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है PSP का एक सॉफ्टवेयर, यानी कि PSP के सॉफ्टवेयर। जैसे आप मोबाइल में बड़े गेम खेलने के लिए PSP एमुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आप मी टीवी पर भी PSP का जो है एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप कितने भी गेम यहाँ पर खेल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारे आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं। और साथ में आपको कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पर कीबोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा और माउस का यूज़ भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं किस तरीके का जो है आपको वो इंटरफेस देखने को मिलता है उस ऐप का। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेम्स में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है PSP का, तो यहाँ पर ये PSP का जो है सेटअप है और सिंपली आप इसे ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस तरीके का जो आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सारा जो है फाइल एक्सप्लोरर देखने को मिल जाएगा, जो जो भी फाइल है। तो यहाँ पर आपको अपनी जो PSP फाइल है लोड करनी पड़ेगी और यहाँ पर आप गेम खेल पाएंगे, और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा जो है इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वर्जन है लेटेस्ट वर्जन है, और यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग्स के ऑप्शन में आप देख सकते हैं आपको ग्राफिक्स की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जिसे आप अपने मैनुअली यहाँ पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और भी आपको यहां पर फ्रेम स्किपिंग वगैरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, और यहां पर आप जो है स्क्रॉल करके देख सकते हैं आपको रेजोल्यूशन वगैरह के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको ऑडियो और कंट्रोल के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, यहां पर आप क्लिक करके वो भी जो है फंक्शन देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वो भी देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से आप कंट्रोल के ऑप्शन, नेटवर्किंग के ऑप्शन, टूल्स और सिस्टम के ऑप्शन भी देखने को आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेटिंग्स कर सकते हैं और यहाँ पर गेम खेल सकते हैं। जो भी आप PSP के गेम यूज़ करना चाहते हैं अपनी मी टीवी पे, तो यहाँ पर आप जो PSP का फाइल है यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप वो लिंक आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको वो सेटअप देखने को मिल जाएगा, उसे आप जो है पेन ड्राइव के थ्रू यहां पर इंस्टॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।